हमारे चले गए हैं अपने साले साहब को हल्दी लगाने। चाचा जी का मैरिज एनिवर्सरी का केक कटने जा रहा है। लोगों का डिमांड था कि विनय भाई अपने लव स्टोरी के बारे में बताएं। लव एक दिन बस से मैं जा रहा था, पसंद तो अकेले चले गए शादी की बात करना, अकेले चले गए, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। पहली बार ये लोग मिले थे कंप्यूटर में। तो लड़का है, बोल रहा है पता नहीं शादी करके कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा। लड़की के दीवाना ये लड़का है। इतना बात मैंने किया कि कंपनी वालों ने मेरा एक सिम बंद कर दिया। 3 दिन में 65 घंटा बात करना चाहिए और मैंने मतलब 70-72 घंटा बात कर लिया था। वो सोच समझ के होता है और हमारा परिवार ये सोचता है कि हमारा बच्चा खुश रहे, हमारी बेटी खुश रहे, जो डिसीजन हो अच्छे से हो। गुड मॉर्निंग फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त अमित जायसवाल और आज लेकर के आ गया हम एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग। ये है किट्टो रानी और हम दोनों आ रखे हैं छत पे ब्रश करने। दीदी पीछे ब्रश कर रही हैं और देखिए आरओ है अपना। आरओ आरओ कुछ बोलोगे? हाय तो बोल लो। हाय गाइस। हाय गाइस। तो ये हमारा ऋषभ, कैसे हो सब? देखो पूछ रहे ऋषभ कहाँ है, आजकल दिखाई नहीं पड़ता। देखो हाय करो। तो दोस्तों आज बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं घर में। मेहंदी हल्दी रस्म है ना, आज हल्दी रस्म है और किट्टो की जो चाचा हैं उनका मैरिज एनिवर्सरी है, घर में पूजा है, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो ब्लॉग में सारी चीज़ें आएंगी, कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, मतलब कि जो सारी चीज़ें होंगी, जो सारा फंक्शन होगा सब कुछ आएगा। तो ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों को सारा कुछ दिखाया जाएगा, कैसे हम लोग क्या चीज़ें करते हैं। तो अभी हम लोग ब्रश करते हैं, जुड़े रहिए ब्लॉग में। मतलब कि जो हल्दी रसम है, हल्दी रसम के लिए मिला, हल्दी रसम के लिए बास आता ना, बास गढ़ता है। तो देखिए लड़कों में एक बास, अच्छा लड़कों में एक होता है, लड़कों में एक बास होता है, मेरे में भी एक ही बास आया था, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। बास काटने की बड़ी दिक्कत होती, कहाँ बास मिलेगा, देखिए बास आ रखा है। सबसे पहली चीज आप लोग को दिखा देते हैं आज के फंक्शन की, जो हल्दी रसम होगा उसके लिए बास आ रखा है, ये बास कट के रखा, बास बास ये लगता है, गड़ा जाएगा हमारे आंगन में। और उसके बाद हमें नहीं पता था यार कि पांच नहीं है, लड़कियों में पांच गड़ता है, लड़कों में एक बास गड़ता है। हाँ, तो ये शाम को गड़ेगा, आज कंगन भी बांधा जाएगा, कंगन भी बांधा जाएगा। जब बांधा जाएगा तो लड़के कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं घूमने फिरने। जब मतलब कि जब मतलब जिस जो दूल्हा होता है जब उसको कंगन बांध दिया जाता है ना, तब वो घर से बाहर नहीं जा सकता है, ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है। जब मुझे भी बांधा गया था ना, मैं भी घर से बाहर नहीं जाता था। नेल काट लीजिए, मैं भी घर से बाहर, देखो नेल मेरे कितने बड़े बड़े हो गए। चलिए दोस्तों जुड़े रहिए ब्लॉग में, आज ब्लॉग बहुत ही मस्त धमाल जबरदस्त। देखिए दोस्तों हमारी परी जगी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है, ओ ओ कर रही है। इनकम परी बोलते हैं, हंसती है, परी परी ये देखो हंस रही है, स्माइल स्माइल। और इधर देखिए हमारी किट्टो रानी तैयार हो रही है, आज पूजा पाठ है, हल्दी रसम है, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो किट्टो की बड़ी वाली दीदी उनको तैयार कर रही हैं। दोनों बहनों में बहुत प्यार है भाई, यूँ ही प्यार बना रहे ऐसे ही। और किट्टो को पता नहीं क्यों साड़ी अभी तक बहुत अच्छी तरीके से पहनने नहीं आया, क्यों किट्टो? नहीं आता है। जब ये साड़ी घर पे पहनती तो हमको बोलती प्लेट नीचे से पकड़ लो, पता नहीं कैसे बोलती घुमा दो। तो तैयार हो रही है, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, बहुत ढेर सारी चीज़ें आज देखने को मिलेंगी, ऐसे छोटे 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 पल आपको देखने को मिलेंगे। A few moments later. A few moments later. हल्दी रसम की शुरुआत हो रखी है, किट्टो लगा रही है अपने भाई को हल्दी। किसी में सबको अडजस्ट करना है। दोस्तों अभी तक किट्टो और भाभी के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा लेकिन अब लोगों को कुछ अलग आएगा, तो हल्दी रसम हम लड़के लोग मनाने जा रहे हैं। जा रहे हैं सारे लड़के लड़के लड़कों वाला मामला रहेगा, चलते हम लोग हल्दी लगाते हैं। आपको अभी देखिए इनकी साली लोग लगा रही हैं, साली लोग लगा रही है। हमारे चले गए हैं अपने साले साहब को हल्दी लगाने और हमारे पति देखो पीला कलर का कपड़ा नहीं था, तो सोच रहे थे हाँ कि वो सोचते हैं कि हम सबसे अलग रहे थे, इसलिए देखिए उनका कुछ डिफरेंस है। आओ इधर आओ, बधाई दे दो ना उनको, इसमें हल्दी लगा हुआ है। ये चाचा जी का मैरिज एनिवर्सरी का केक कटने जा रहा है, देखिए कितनी जनता भीड़ लगा रखी है, इतनी फैमिली मेंबर, बाप रे। दीपक भाई हमेशा साथ में रहते हैं, एक चाचा के लिए एक चाची के लिए, मेरे बुआ जी हेल्प कर रहे हैं। हैप्पी
चाची चाची जी मेरी प्रधाई नहीं तो इनको मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तो शुरू से देखा कि हम लोगों ने क्या किया, आज दिन भर हुआ है भाई साहब। आज तो हम लोग थक गए, तुम लोग किट्टो ने अभी तक अपना मेहंदी भी नहीं उतारा है। मेहंदी, अरे हल्दी, सॉरी। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि विनय भाई अपने लव स्टोरी के बारे में बताएं, लव, क्योंकि अब इनकी शादी परसों है भाई, तो इनकी स्टोरी भी लोगों के सामने आनी चाहिए। शादी के बाद फिर कौन पूछता है स्टोरी, ठीक है, शादी से पहले स्टोरी भी निपटा दी जाए। तो बहुत सारे लोग का डिमांड था कि भैया विनय भाई से पूछिए उनके लव मैरिज है, अरेंज मैरिज, जो कि हमने तो बता दिया था, लेकिन इनके मुँह से भी जानना चाहते थे और किस तरीके से क्या चीज़ें हुई थी, कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे क्या चीज़ें हुई थी, सारी चीज़ें आज विनय भाई आप लोगों से शेयर करेंगे। सबसे पहले आपकी जिससे शादी हो रही उनका नाम क्या है? कोमल। कितने प्यास वाला कोमल, कोमल कोमल की तरह होंगे इसलिए कोमल। तो दोस्तों उसके बाद चलिए ठीक है, विनय भाई की जिनसे शादी हो रही है उनका नाम कोमल है। बहुत सारे लोगों ने टैटू भी देख लिया था, तो इनको बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप जो हमारी होने वाली भाभी हैं, प्लीज उनका हमें फोटो भी दे दीजिए, दिखा दीजिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दीजिए। इन्होंने बोला ना 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 ना, जब तक शादी नहीं होगी फोटो नहीं डालेंगे। तो शादी तक इंतजार करिए, फोटो भी आप लोग को दिख जाएगा, मिल जाएगा, आ जाइए आप इधर। तो उसके बाद अब विनय भाई अपनी सारी चीज़ें शेयर करेंगे, हमने तो नाम बता दिया, अब सारी चीज़ें कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे प्यार हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे जारो, जो किसी को नहीं, देखो क्या होता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टोरीज आप लोग के सामने लेके आई हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार था कि अमित भाई आप अपने चैनल पर ये स्टोरी लेके आइए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो आज आप लोग को देर नहीं करेंगे, आइए विनय भाई के पास लेके चलते हैं माइक और इनसे स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था, अपने शब्दों में बताएंगे सारी चीज़ें, ये माइक पकड़ लीजिए और बताइए। हाय दोस्तों, मैं सबसे पहले सबको हाय बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और हमारी तो जो शादी हो रही है वो रियल में तो लव स्टोरी है, रियल में लव स्टोरी है। और हमारी जो लव स्टोरी शुरुआत हुई तो करीब 5 साल पहले, जब मैं इलाहाबाद में जॉब करता था, शेयर मार्केट में, इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, शेयर काम होता था वहाँ पे, मैं वहाँ पे जॉब करता था। तो मैं हफ्ते में 2 बार घर आता था, सैटरडे संडे, तो कभी कभी मैं ट्रेन से जाता था, क्योंकि इलाहाबाद हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर है प्रयागराज, तो बस ट्रेन दो ही ऑप्शन था। अब इतने दूर बाइक से तो जा नहीं सकते, लंबा सफ़र होता है, थक जाता है, तो काम कैसे होगा फिर। तो हम ऐसे ही आते जाते, एक दिन बस से मैं जा रहा था इलाहाबाद, तो शायद उनका कॉलेज था इलाहाबाद के साइड, तो हम बस में बैठे, देखें, नजर से नजर मिली, तो नजर का प्यार, पहली नजर का प्यार। देखिए दोस्तों, ये घर वालों को भी अभी तक स्टोरी नहीं पता, ये पहली बार स्टोरी सोशल मीडिया पे हमारे थ्रू आएगा, इनके मतलब इनके भाई को, मम्मी को, पापा को, इनको खुद भी नहीं पता, नहीं पता था। बस ये लोग चाहते थे कि चलो अब चलेंगे, तो भाई अब क्योंकि क्या था, किसी को हिम्मत नहीं होता ना कैसे करें कैसे पूछे, तो कोई बात नहीं भाई, एक बार वीडियो डालेंगे, लोगों का डिमांड होगा, विनय चाहेगा तो स्टोरी नहीं, 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 लोगों का, और हम लोग को खुद जानना था कि इसकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। बहुत सारे पूछते हैं ना कि आखिर वो लड़की मिली तो कहाँ मिली इनको, और हम लोग बोलते हैं हमें लोग को खुद ही नहीं पता। अब जैसे मेरी स्टोरी तो आप लोग को पता चल गया था भाई हम कैसे मिले, लेकिन अब इनकी स्टोरी आती चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब जब आंखों से आंखें मिली तो अट्रैक्शन कुछ हलचल से हुई अंदर, कि भाई अब लग रहा है मामला सेट हो जाएगा। तो हिम्मत तो नहीं हुई कि जाके बात करूं, लेकिन अचानक से मतलब अंदर से आवाज़ आई कि आप बात करो। मैं गया, बात किया, हाय हेलो किया, नाम पूछा, तो कुछ देर ऐसे ही हालचाल हुआ कि आप कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, सब उसी एक ही सफ़र में हो गया। हाँ, एक ही सफ़र में हुआ, बातचीत हुआ, फिर हम लोग बस में साथ में गए, उनका कॉलेज आ गया, वो उतर गए, तो हम इलाहाबाद गए। तो मतलब जैसे ही मतलब बस से उतरे तो मैंने पूछा आपका कोई नंबर है तो दे दो, तो उन्होंने पहले एक बार नंबर देने से थोड़ा संकोच किया कि नहीं ऐसे मैं नंबर नहीं सकती, हम कहे भरोसा करो, हम वैसे इंसान नहीं है कि आपका नंबर कहीं बांट देंगे। तो उन्होंने मेरे पर भरोसा किया, अपना नंबर दिया, तो उन्होंने जैसे ही बस से उतरा तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो मैंने उन्हें बोला आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, मिल के अच्छा लगा। तो फिर मैं अपने ऑफिस पहुँचा, तो पहुँचते पहले वहाँ पर तो काम होता है, काम वम किया, फिर रात में जब फ्री हुआ मैं 11 बजे के बाद, तो कॉल किया, कॉल से बात हुआ, हाल चाल हुआ, खाना हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ बात हुआ। तो हमारी स्टोरी जो है यहीं से शुरू हुई थी। तो फिर धीरे धीरे इसे चलता गया, 1 साल 2 साल बीतता गया, फिर अचानक से मतलब उनके घर पे क्या हुआ कि हम बोले कि आप शादी करोगे मुझसे, मैंने कहा यार अभी देखो घर वाले तो मानेंगे नहीं,
तो इस बार घर पे बात करना पड़ेगा। तो मैंने घर पे नहीं बताया, तो मैंने डायरेक्ट उनके घर पे गया, बात की कि हमको आप पसंद हो। अकेले चले गए शादी की बात करने? अकेले चले गए, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। लोगों के बाद कुछ नहीं पता, भगवान कसम नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। वो करीब 3 साल पहले की बात है, ये 3 साल पहले मैं चला गया। पहले चले गए थे शादी की बात करने? शादी की बात, अकेले ही। डर नहीं लगा कि भाई मारेंगे घर वाले? डर नहीं लगा, नहीं डर नहीं लगा मुझे। ये हिम्मत देखो, और हम तो नहीं जा सकते भैया। मैं तो सीधे घर पे पहुंच गया, फिर उनके भाई गार्जियन आए, बोले कि आप मम्मी पापा को राजी करो तब हम शादी करेंगे। अब मम्मी पापा से बोलने में थोड़ा तो डर लगता है कि पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो मैंने नहीं कहा। लेकिन क्या, हम आप करिए, मेरे पर भरोसा है, हम अच्छे से रखेंगे। हाँ, सभी परिवार से हैं, हम यहाँ रहते भी नहीं हैं, इलाहाबाद रहते हैं उस टाइम हम। तो बोले चलो ठीक है, आप मम्मी पापा के मनाओ तब हम शादी कर देंगे। तो ऐसे ही 1 साल ऐसे ही निकल गया, मनाते मनाते मैंने किसी से कहा ही नहीं। पहले उन लोगों के घर को मना ले, फिर अपने घर को तो मना ही लेंगे। अब फिर मुझे यहाँ नौकरी पसंद नहीं आई, जब लड़की पसंद आएगी तो नौकरी पसंद नहीं आई। जब लड़की पसंद आ गई तो नौकरी पसंद नहीं भाई साहब, तो नशा लड़की में था कि लड़की से, अब लड़की लड़की। तो मुझे वो नौकरी छोड़ना पड़ा, फिर मैं जॉब के लिए बहुत परेशान था, बस बातें करता था रात भर। हाँ, घूमता था, कभी दिन में मैं 4 बार उसके घर, मेरा घर उसके घर से 8 किलोमीटर के दूर है, तो मैं उस टाइम मुझे जुनून था भाई इसका, तो मैं दिन में 4 बार बाइक से चक्कर लगाता था घर के सामने देखने के लिए, और आती भी बाइक पे बैठती थी, घुमाते भी थे, और रेस्टोरेंट में जाके थोड़ा नाश्ता पानी घूमना, फोटो वोटो लेना। अरे रेस्टोरेंट तो एक हाँ पकवान रेस्टोरेंट करके है, और हाँ ग्लोरी रेस्टोरेंट है, और मैकदूत है, तीनों जगह। भदोही रेस्टोरेंट की बात हो रही दोस्तों, भदोही में। हाँ, तीनों जगह हम फेमस है, मतलब वहाँ जाते थे तो बोलते थे अरे अब, मतलब कोई जो भी जाते पहचान जाता कि अब आ गए ये। हाँ, हमेशा जाते थे, उनके हम पर्सनल क्लाइंट हो गए थे समझ लो। फिर ऐसे ही बातचीत हुआ, फिर दिन भर, फिर नौकरी को लेकर हम कह यार आप शादी कर लेंगे तो फिर बीवी आ जाएगी, तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा, इससे अच्छा कुछ अच्छी नौकरी ढूंढा जाए। तो नौकरी के लिए बहुत परेशान हुए, तब से फिर किट्टो का शादी पड़ गया, और टेंशन कि पैसा चाहिए, शादी करना है, कैसे क्या होगा। तो हमारे जीजा जी हैं बगल में बैठे हैं, इन्होंने इन्होंने मेरा नौकरी लगवाया अपने रेफरेंस से, मैं गया वहाँ काम किया। क्योंकि ये नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इलाहाबाद में फिर दिल्ली भी गया था, इतना नौकरी मिली थी, पता नहीं क्यों इसको क्या होता था। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम जब मेरा नौकरी लगा था द लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स में एज ए कैशियर बार रेस्टोरेंट में नौकरी लगा था, तो उस टाइम मेरा क्या था, ट्रेनिंग टाइम था। तो ट्रेनिंग टाइम में जैसे ना कोई कोई चीज़ मुझे सिखा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है, इसे गाली दे के बात करना जो चीज़ हमको पसंद नहीं है। तो मैंने चलो हम कहीं सीख लेते हैं, 1-2 महीने मैंने 1 महीने शायद सीखा था, फिर मेरा वहाँ से मैंने जब काम अच्छे से सीख लिया तो मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र करने लगे। ये कुछ बोलना चाहती हैं? तो गाइस ये लोग स्टोरी चल रहा है, हम जा रहे हैं रूम का सफाई करने, बहुत सारा कचरा फैला है। दिखाने आई थी, आए थे दिखाने की क्या हो रहा है। स्टोरी जो बताए स्टोरी ना कासम से हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था, तुम वीडियो में देखना पहले क्या है इनकी स्टोरी। अरे स्टोरी हम इनका जानते हैं सर। कहाँ जानती हो? कहाँ मिले थे पहली बार? कहाँ मिले पहली बार? ये लोग मिले थे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में? कंप्यूटर में, कंप्यूटर यहाँ सीखने जाते थे। अब ये रास्ता पकड़िए, आप जाइए बाद में। कुछ नहीं पता तो क्या पता बैठे की इनका शादी कब को लगा था। इनका शादी जब हम एक बार दिल्ली छोड़े जाते रहे, एक बार शायद ना मंदिर में शादी कई ली, भले झूठ बोले थे। नहीं नहीं, दोनों जने क्या बोला? ये तो और सस्पेंस ला रहे हैं। सस्पेंस लिया है अपने माने से लिया है। नहीं, जब हमके दिल्ली छोड़े थे दोनों जने मंदिर से आए, टीका लगाए रहे हैं। अरे मंदिर नहीं, मंदिर में जाएंगे टीका, मतलब शादी हो गया। अच्छा बताओ आगे कहानी, कहाँ पहुँचे थे गाइस हम, आप बता दो। नौकरी तो भाई नौकरी के लिए बहुत परेशान थे, द लॉर्ड ऑफ ड्रिंक सीपी में है, कनाट प्लेस में है, मैं वहाँ ट्रेनिंग दिया 1 महीने, तो मैं जॉब सीख गया, फिर मेरा ट्रांसफर की कर रहे थे तो हमको कम काम नहीं करेंगे इसमें, मतलब इतना हार्ड वर्क है ना, रात भर जा, मेन बात काम है पैसों का, 1 रुपये कम पड़ जाए तो जेब से भरना होता है। तो मैंने किया 1 महीने किया, फिर मैंने बोले आप कहीं और चले जाओ, आप नेहरू प्लेस चले जाओ, हमका मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ घर। तो मैं वहीं से सीधे मना कर दिया, फिर मैं चला आया घर। घर आके फिर कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब घर का ही कुछ काम था कर रहे थे, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर
हम कहे फिर से जाते हैं। फिर मैंने इनसे बोला कि आप मेरा जॉब लगवा दो फिर से, तो इन्होंने भी सोचा कि यार कैसे लगवाए, एक बार जॉब लगवाए मतलब छोड़ दिया। हम लोग बहुत टेंशन में थे जब इसका पहला जॉब ये लगवाए थे, हम बोले कि इतना मुश्किल से तुमको जॉब मिला है, तुम ऐसे इसमें पैसे तो बहुत थे, इतने पैसे थे कि किसी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था और बोलता था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सही बात है, जहाँ पे मन न लगे वहाँ पे नौकरी करना बेकार होता है। चलिए ठीक है, मेरी आवाज़ जाएगी। तो फिर मैं दोबारा बोला इनसे, तो उन्होंने भाई कहीं से अरेंज जॉब किया, द लॉर्ड ऑफ ड्रिंक नोएडा में नया ओपन हो रहा था, तो वहाँ पे वैकेंसी थी, तो इन्होंने अपने एचआर से बात किया, तो उन्होंने मुझे भेजा, मैं गया वहाँ पे बिना इंटरव्यू के मेरा ज्वाइन हो गया, क्योंकि नॉलेज था मुझे उतना, एक भूला भी नहीं था, नॉलेज था, गया सिस्टम पे बैठा, उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया, सैलरी शुरू हो गई। तो मैंने वहाँ एक साल तक अच्छे से मन से काम किया, काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाया, घर पर दिया, शादी किया, बहुत सारा मतलब खर्चे मैंने संभाला। तबीयत खराब थी, इसने बहुत हेल्प किया, मेरी शादी में भी बहुत ज़्यादा पैसे लगे थे, इसका देन था कि हमारी शादी हो गई, नहीं तो बीच में अटक जाती शादी, मतलब कि और आगे तक चला जाता कि अभी हम, क्योंकि हमारे माँ बाप के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, क्योंकि सारे पैसे दवा में लग गए थे, तो इसने बोला कि नहीं शादी करो आप लोग, कोई टेंशन नहीं है हम। एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूँ कि मैनेजमेंट पूरा शादी में किटों का मैंने किया था, बाकी मनी का अरेंजमेंट इसने किया था, बस यही कहने के लिए मैं बीच में आया हूँ बस। वो तो मैंने बताया था कि जितना मेरा सपना था, सारा सपना इन्होंने एक एक चीज में, जितना मैं सोची नहीं थी उससे ज्यादा उसने किया था, कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, मनी इनका लगा था और सब कुछ मेरे दिमाग उनका था, मेहनत उनका था। अब भाई मेहनत की कमाई थी, तो उन्होंने मेहनत से एक्सपेंस किया, अच्छे से बचा के, किसी भी खर्चे में कोई कमी नहीं किया, तो हमने वहाँ पे फिर जॉब किया, फिर वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, बड़ा भव्य शादी हुआ था हमारा, बड़ी मस्त। फिर वहाँ पे मैंने पैसे कमाया, बहुत अच्छे पैसे कमाया, नौकरी भी मन से की, इतना मेहनत करता था कि सुबह 11 बजे आता था, सुबह के 4 बजे 5 बजे सुबह मैं आता था, इतना हार्ड वर्क करता था मैं, बस सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कि हमको अब शादी करना है, अच्छे से करना है, जो मेरा सपना है। मैंने इससे एक बार बोला भी था, एक बार बोला था कि मैं तुम्हारी शादी ऐसा करूंगा कि दुनिया वाले देखेंगे, और मैं, मेरा ये सपना है कि तुम्हारे शादी में ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, ऐसे करेंगे, तो हम अपने भाइयों की एकदम शुक्र गुजारते हैं कि इन्होंने हमारे सारे सपनों को पूरा किया, तो ऐसे भाई सबको मिले, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है और ऐसी फैमिली सबको मिलनी चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप कोई चीज़ ठान लोगे कि मुझे करना है, चाहे जैसे मेहनत लगन से, तो आप सक्सेस हो जाओगे। अपनी स्टोरी पे आओ, फिर हम भाई शादी इनकी हो गई, फिर हमारी शादी के बाद चलने लगा कि अब तुम शादी कब कर रहे हो, तो अचानक से एक दिन पता नहीं उनके घर वालों, मैं तो वहाँ गया ही था, तो फिर अचानक से एक दिन लड़की के मामा आ गए और उनके चाचा आ गए, बिना बताए घर पे आ गए, हाँ शादी के पहले ही, हाँ बिना बताए घर पे आ गए, और हम उनको तो पहचानते थे, हम अचानक से देखे अब क्या करें, आए बैठे, नाश्ता पानी हुआ, फिर बात हुआ कि आप शादी ऐसे ऐसे करो, तो भाई हम लोग अपने गार्जियन चाचा पापा दादा को बुलाए, लोग बात किए कि ऐसी सी बात है, आपका लड़का मतलब 2 साल से बात कर रहा है अकेले, मतलब फैसला लेने के लिए बोला, तो हमने कहा कि भाई लड़का है अभी, बच्चा है, तो बच्चे के पास का जल्दी कोई भरोसा नहीं करता है, कि भरोसा नहीं होता कि भाई ये लड़का है, बोल रहा है, पता नहीं शादी करके कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, तो उन्होंने घर पर आया, बात किया, तो उन्होंने बोला कि अभी शादी कर दो, तो अभी तो बोले कि अभी तो कैसे हो पाएगा अभी, क्योंकि इनका शादी पड़ा था, तो बोले अभी तो नहीं हो पाएगा, तो उनको भरोसा दिलाने के लिए कहा गया कि आप भाई हम शादी आपसे ही करेंगे, क्योंकि जब लड़की भी बोल रही कि हम शादी करेंगे, तो बोले शादी आपसे ही करेंगे, आप थोड़ा टाइम दीजिए हमको, तो उनको टाइम दिया गया, फिर बीच में भी अचानक से बोले कि अब शादी कर लो, हम कहे अभी नहीं होगा, अभी बहन का शादी है, बाद में होगा, मतलब चाचा उचा बोले, तो बोले चलो ठीक है जब होगा तब बताना। जब इनका शादी बीत गया, तो बोला गया कि चलो अच्छा इनके शादी के बाद फरवरी में आपका शादी हो जाएगा, तो हम कहे फरवरी बीत गया, वहाँ से फ़ोन आता था कि आप बोले थे कि आप बहन की शादी के बाद शादी होगा, हम कहे ठीक है देखो बहन की बाद शादी कैसे करें, अभी इतना सारा पैसा खर्चा हो गया है, तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, शादी करने के लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मार्च फरवरी का महीना भी बीत गया, फिर आ गया, फिर अचानक से मैं दिल्ली चला गया, वहाँ जॉब करता था, दिल्ली चला गया मैं, वहाँ पर भी बात करता था, शादी के लिए बहुत टेंशन होती थी, वहाँ रहना वहाँ जाना, और मेन दिक्कत तो ये थी कि वहाँ रह के अकेले खाना बनाना पड़ता है, पहले तो मैं इनके यहाँ रहता था, तो अब भाई ये भी फैमिली है, इनकी पर्सनल लाइफ होती है, तो अच्छा नहीं लगता है,
तो मैंने खुद से अपने हम लोग साथ बहुत टाइम तक भी नहीं रहा, मतलब एक दो साल तक तो हम लोग के साथ रहा, तीन चार साल में रहा हूँ हमारे साथ रहा। लेकिन अब जब फैमिली बढ़ रही है तो मुझे अंदर से आया कि हम नहीं, अब मुझे अकेला, अब मैं अपने पैर पे हूँ। मैं रहता था, भाभी रहती, बच्चे रहते थे, हमारी शादी हुई नहीं थी, शादी के बाद क्योंकि आप लोग पता है दो ही का बने हुआ दिल्ली में, तो होता है थोड़ा सा दिक्कत, आप लोग को पता है पर्सनल लाइफ होती है किसी की। तो मैंने अपना पर्सनल रूम लिया, सारा व्यवस्था किया उसमें। तो अब इस महीने शादी होने वाली नहीं थी इस साल, लेकिन हम कहे अब लॉकडाउन है, अब हमको खाने बनाने की दिक्कत भी होता है, तो हम कहे अब चलो शादी तुम्हारी, मतलब कि हम लोग दिल्ली में थे, हमें तो आना था, हम लोग ऐसे क्योंकि हाँ। कोरोना में फंसे हुए थे लॉकडाउन में, जैसे हमें तो आना था घूमने के लिए, लेकिन ये अचानक से हमने ब्लॉग भी बना दिया, अचानक से किट्टो के घर आया फोन की भैया अरे ये सब बताओ ना, ये सब क्यों तुम्हारा, अरे ये सब बताओ ना, कितना बात करते थे पूरी रात, एक दिन हां यार इतना दिन तक बात करता था, लेकिन हम लोग तो कभी चेहरा आप लोग पूछो ना नहीं दिखाया था, कभी कुछ भी नहीं दिखाया था। ये पता है आप लोग को, मेरी शादी, मेरी किट्टो की शादी पड़ी थी, हम लोग ज्यादा ज्यादा हार्डली 11:30 मैं इसको बोलता था सो जा भैया मुझे नींद आ रही है, ये इतना गुस्सा करती, तुम बात ही नहीं करते हो। अच्छा मेरे घर के लोग बोलते हैं कि लोगों की शादी पड़ती लोग रात रात भर बात करते, मैं बोला यार कितना बात करता है, लेकिन ये है कि मुझसे बात नहीं, मैं बोला यार हमें ड्यूटी जाना पड़ता है और हमें उठना पड़ता है, मेहनत बहुत करना पड़ता है, इसलिए मैं सो जाता हूँ। लेकिन इसका रिकॉर्ड तो भैया सुबह बात, मतलब रात में बात करना शुरू करते, सुबह तक बात करता रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ तक कि क्लब में इतने लाउड म्यूजिक शोर होता है, फिर भी वहाँ किसी को अलाउड नहीं है। मैनेजर क्या होते हैं, फोन रख लेते हैं, वो रख लेते हैं, लेकिन हमने मैनेजर से अपनी बना रखी थी कि मेरे लिए वहाँ पे छूट था। हाँ मैंने वहाँ छूट, मैं मतलब लाउड म्यूजिक चल रहा है फिर भी मैं बात कर रहा हूँ पीछे जाके गेट के पीछे, लड़की का दीवाना ये लड़का है, काम करते हुए बात करता था, मतलब सुबह अगर 4 बजे मैं घर जा रहा हूँ तो भी फ़ोन लगा के जाते बात करता था, 6 बजे सुबह तक बात करता था, फिर 1-1.5 घंटे सोता था, फिर उठ के नहाता था, फिर ड्यूटी जाता था बात करते हुए, मतलब इतना बात मैंने किया कि कंपनी वालों ने मेरा एक सिम बंद कर दिया। सच में मेरा एक जियो का सिम था, मतलब बोला कि आप मतलब ओवर लिमिट बात कर रहे हैं, आपकी कॉल लिमिट खत्म हो गई। अच्छा जी हाँ, ये जो अनलिमिटेड कॉलिंग का होता है उसमें अनलिमिटेड का ही नहीं, वो सिम ही बंद कर दिया। क्यों? बोला कि आप बहुत बात करते हो, मतलब क्या होता है एक मतलब 2 दिन में क्या बोलते हैं 3 दिन में 65 घंटा बात करना चाहिए, और मैंने मतलब 70-72 घंटा बात कर लिया था। भाई साहब ये तो भाई नोट किया जाए इस बात को, टेलीकॉम मैं दोस्तों टेलीकॉम में 7 साल मैंने अपनी जिंदगी बिताई है, टेलीनॉर, यूनिनॉर, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, मैंने इन कंपनियों में 7 साल अपनी नौकरी किया है, मैंने अपना जॉब किया है, तो टेलीकॉम के बारे में मुझे पता है कि जो भी कस्टमर अगर 67 घंटे के ऊपर बात करेगा तो उसकी सिम ऑटोमेटिक पूरा लॉक कर दिया जाएगा, जिंदगी में वो सिम नहीं चालू हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कंपनी नियम है कि दिन में 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो 24 घंटे में आप केवल 18 घंटे बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर कंटिन्यू अगर आप बात कर रहे हैं तो आप 3 दिन के मतलब 3 डेज में आप केवल 67 घंटे ही बात कर सकते हैं। अच्छा, ये उनका कुछ हाँ उनका कंडीशन नहीं है, क्योंकि ट्राई जो कंपनी है BSNL कंपनी जो भारत सरकार की है और ट्राई जो सबको लाइसेंस देती है, तो उसने ये हर कंपनियों को ये अथोराइज किया हुआ है कि आप अपने हर कस्टमर को 55 घंटे की ही होती है कॉलिंग, लेकिन 10 घंटे वो लोग बढ़ा के देते हैं कि ठीक कोई अगर बात करेगा कस्टमर 10 घंटे एक्स्ट्रा इसलिए देते हैं कि 10 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ तो कुछ कमी कर देगा 3 दिन के अंदर, लेकिन जो ऐसे कम ही लोग होते हैं जो 67 घंटे बात करते हैं। ये हिंदुस्तान का ये पहला लड़का है जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, मुझे लग रहा है शायद अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताना, मैं भी जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन हिंदुस्तान में है जिसका अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के चक्कर में उस कंपनी ने सिम बंद कर दिया हो। फिर उसके बाद मेरा सिम बंद हो गया, मैं बहुत भागा, जियो का सिम था मेरा, बहुत मैं ऑफिस का चक्कर लगाया लेकिन सिम नहीं चालू हुआ, फिर मुझे मजबूर होके एयरटेल का सिम लेना पड़ा, लेकिन अब तो अब नहीं बात करते, लेकिन फिर भी पहले उसने बोला कि भैया नहीं बात करते, कैसे कह रहा नहीं, मतलब जैसे हमने लिमिट क्रॉस कर दी तो अब 4-5 घंटे कम ही करते हैं, उसमें मैनेज करते हैं। अच्छा, जब तुम बात नहीं करते तो तुम्हारे अंदर क्या रहता है, बेचैनी होती है? जैसे हम बात नहीं करते हैं ना तो हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये कोई फोबिया तो नहीं हो गया तुमको? फोबिया नहीं, अब देखो अब इतना हम लोग बात अब जिसको दिल से चाहते हैं ना तो उसके बिना रहा नहीं जाता है, बिना देखे भी नहीं रह जाता है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, सब कुछ, काम करते हुए भी, मतलब नहाते धोते हुए सब कुछ सब। हाँ यहाँ तक आगे 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 थोड़ा वीडियो, हाँ मतलब मैं जाए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है थोड़ा सा और फास्ट। उसके बाद क्या हुआ? फिर शादी की बात आ गई, तो बीच में ऐसा कई बार हुआ कि
कि ऐसा टकरार हम दोनों के बीच हो गया कि अब हमको शादी नहीं करना है, हमको नहीं करना है। एक दो बार मैंने भी मना कर दिया, हमको नहीं करना है, जाने दो ऐसे वैसे। हम कहे चलो, लेकिन फिर क्या होता है, दिल नहीं मानता है। कई बार नंबर ब्लॉक भी कर दिया मैंने, उसने भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन ऐसा कभी दिन नहीं गया कि अगर एक दिन से ऊपर मैंने अगर बात नहीं किया हो तो आँखों में आंसू भर जाता था कि मतलब जैसे लग रहा है कि अंदर से जो हमारी आत्मा है वो बाहर निकल रही है। तो उसको मैं कैचिंग करने के लिए जैसे भी सॉरी बोल के, माफ़ी बोल के आप मना लेता था, उसका भी मन नहीं लगता था, इसलिए वो भी हम ब्लॉक करके बात करना शुरू कर देती थी। तो अब इस मुद्दे पे आते हैं, जब तो लोगों को पता चल गया तुम्हारी कैसे मुलाकात हुई, तुम इतना बात करते थे, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो गई। अच्छा, अभी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई स्पेशल गिफ्ट का डिमांड रहा और तुमने वो चीज़ पूरा किया हो? गिफ्ट का डिमांड तो नहीं करती है क्योंकि बहुत समझदार है वो। अच्छा। हाँ, बहुत समझदार है वो, जानती है कि हम बोल देंगे तो मना नहीं करेंगे। लेकिन उसके... ये तो है कि ये मतलब कि कोई भी इसे कोई कुछ कहता है, हमारे भाइयों में एक खूबी है कि लोग कभी कोई चीज़ मना नहीं करते हैं। अच्छा, तो अब लास्ट बात ये आती है कि मतलब कि तुम्हारी शादी अचानक से तुमने भैरी गर्मी में, हमारे खानदान में तो गर्मियों में शादी होती ही नहीं है, अब ऐसे क्यों अटेंडम होगा तुम्हें शादी करनी पड़ रही है? अचानक लोगों का कमेंट इसी बात पे आ रहा है कि अचानक से ही क्यों शादी हो रही है जून के महीने में और आप लोग को पता नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले एक बार हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि भाई शादी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी शादी हुई नहीं थी, तो ये इसी टाइम क्यों हुआ है अचानक से? शायद हमको लग रहा है आप लोगों ने पहले से तैयारी करी, भगवान ने देख लिया कि आप लोग का मनोकामना भगवान ने पूरा कर दिया, अचानक से अटेंडम में शादी पड़ गया। क्योंकि अब देखो, मैं लॉकडाउन था, कोई काम था ही नहीं, तो हम सोच रहे थे कि अब भी दिल्ली भी बंद है, घर पे ही हैं, तो क्या काम है। तो मैंने सोचा था जब लॉकडाउन खुलेगा उस टाइम मैं शादी की बात करूँगा, ताकि जब शादी हो एक दो दिन चार पाँच दिन घर पे रहें, फिर मैं सीधे लेके दिल्ली चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरत होती है उनकी। बोलो। बहुत ज़रूरत होती है उनकी कि अब भाई रहेंगी, साथ में खाना बनाएंगी, सुबह का नाश्ता बनाएंगी, कपड़ा धुलेंगी, थोड़ा बातें करते रहेंगी, ऐसा नहीं कि अकेले करेंगी। मैं दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल अकेले गुजारे हैं। मैं क्लास सिक्स से बाहर हूँ, मतलब कि मैं 7 साल तो वैसे बाहर रहा, हॉस्टल में पढ़ा हूँ। एक अकेले लाइफ बिताना बड़ा मुश्किल होता है, लगता है कि नहीं यहाँ कोई है, लाइफ पार्टनर होना चाहिए, बात मैं समझ सकता हूँ और बहुत सारे लोग भी समझ सकते हैं। तो बस यही लॉकडाउन का इंतज़ार था, किसी को बात नहीं पता था कि मैं ऐसा निर्णय लेने वाला हूँ। मेरी मम्मी को भी नहीं पता था, मैं जब लॉकडाउन 1 तारीख को खुला तो मैं अचानक से दादाजी को, पापा जी को, चाचा जी को मैं बोला कि अब कल चलना है, बात करना है, तो चला गया मैं घर पे। ऐसे अचानक से विचार आ गया मुझे करना है तो मैं सीधे घर पे, मतलब उनके गार्जियन से मैंने बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, अब डेट रखना है, करना है। तो मैं गया वहाँ, बात किया, तो वहाँ पे बोले कि चलो अच्छा, अच्छी बात है भाई आप लोग आए, बहुत दिन से बात चल रही थी कि अब शादी करना है, 1 साल 1.5 साल पहले चल रहा था, उसी बीच में हम कहे अब करना है, अब शादी करके जाना है। तो गए हम लोग, बात किए, अच्छे से बात किए वहाँ पे, फिर डेट रखा गया किस डेट को शादी पड़ेगी, तो बोले ठीक है, लगन पत्र लिखा गया पंडित जी द्वारा। फिर घर पे आया तो मम्मी को बताया, तो मम्मी थोड़ा नाराज़ थी कि मेरा बेटा हो कि मुझे ही नहीं बताया, और अपने पापा को, दादा को बुला के लेके चला के रिश्ता तय करके चला आया। तो क्या हुआ, फिर मैंने मम्मी को बताया ऐसी ऐसी बात है, क्या बताऊँगा आपको, आपको जाओगे नहीं, पापा इन खुद ही बताएंगे। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, वो मान गई। फिर धीरे धीरे बात तो डन हो गई कि 16 तारीख को शादी हो गई। दोस्तों मुझे भी नहीं पता, जबकि मुझसे कोई चीज़ छुपता नहीं था, लेकिन मुझे भी नहीं बताइए। अच्छा, ये बीच बीच में आ रहे हैं क्योंकि साइड में कुछ काम, अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, ऐसे बोलते रहो। तो फिर 16 तारीख को शादी फिक्स हो गई, तो किसी को इन्विटेशन नहीं था, तो इनका लोग तो आना ही था, हमें तो आना ही था। तो फिर इन लोगों को बताया गया कि भाई अब 16 तारीख को शादी पड़ गई है, तो भाई किसी का कोई शॉपिंग नहीं, कुछ नहीं, तो इन लोगों ने अटेंडेंस में ही सब कुछ अपना जो भी ऑनलाइन वगैरह मंगाना था। लॉकडाउन में दुकानें भी बंद थी, अच्छे से तो शॉपिंग नहीं कर पाए, लेकिन जो भी हुआ अच्छा मैनेज किए और शादी भी हो गई। और सबसे बड़ी खुशी वाली बात यह है कि सारे रीति रिवाजों के साथ शादी हो रही है, एक लव मैरिज हो रही है और दोनों परिवारों के रजामंदी से हो रही है। और ये इंटर कास्ट शादी है कि सेम कास्ट शादी है? ये इंटर कास्ट शादी है, और घर वालों को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम सब जो है ना खुले विचारों के हैं, क्योंकि हम लोग बैकवर्ड समाज से हैं और वैश्य समाज से हैं, बनिया वर्ग से हैं, जायसवाल हैं, हर चीज़ जो भी हैं, लेकिन बैकवर्ड हैं हम लोग, और वो वैश्य समाज है हम लोगों का, इसलिए हम लोग की ये रिश्ता कबूल था। दूसरा हम ही लोग में आते हैं वो लोग, बिल्कुल हम लोग एक ही लोग हैं बस। वैसे हम कहते हैं जैसे कि ब्राह्मण में तिवारी, मिश्रा,
और उपाध्याय सब शादी कर लेते हैं, क्या हम बैकवर्ड होके क्या अपने जायसवाल समाज में और गुप्ता में या मुदनवाल में क्या शादी नहीं कर सकते हैं? जी सही बात है, और बहुत ही हंसी खुशी सबकी शादी हो रही है, और आज हल्दी रस्म हुआ है, कल मेहंदी रस्म होगा, फिर परसों शादी होगी और बहुत ज़्यादा इंजॉय होगा। तो आप इस शादी से खुश हैं? हम तो इस शादी से बहुत खुश हैं, मतलब और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है कि मेरा चाहा हुआ प्यार मेरी लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। सही बात है दोस्तों, और हम उम्मीद कर, देखिए जैसे अब हम लोग भी एक हुए और ये लोग भी एक हो रहे, अच्छा लगता है कि जो लोग एक दूसरे को लाइक करते थे और सबके, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, पूरे परिवार की रजामंदी। एक होता ना कि यार घर में यार मम्मी नहीं है पापा नहीं माने, लेकिन एक चीज़ इनके परिवार में सब मान रहे हैं, उधर भी सब लोग राजी हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि घर वाले मान जाएंगे इतने अच्छे से तौर तरीके रस्म हिंदू रिवाज से शादी हो रही है, और आप लोग सब चीज़ें देख ही रहे हो, सब लोग बिल्कुल मस्त बिल्कुल मस्त होकर सब शादी अटेंड कर रहे हैं, शादी फंक्शन सब बढ़िया तरीके से हो रहा है। हाय फैमिली, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं ये चीज़ नहीं कहता कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इस चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारी फैमिली द बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट है, क्योंकि हमारे परिवार में जो डिसीजन होता है ना वो बहुत सोच समझ के होता है, और हमारा परिवार ये सोचता है कि हमारा बच्चा खुश रहे, हमारी बेटी खुश रहे, जो डिसीजन हो वो अच्छे से हो, और वो भी सब जांच परख के सब होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं होता है। होता है हमारे दादा को लेकर, हमारे चाचा को लेकर के सबको ले, ये नहीं कि हमारी हम इनकी बहन है तो यही लोग केवल डिसाइड करेंगे कि हाँ मैं ये करूँगा। हमारे घर में सब कुछ बड़े मतलब कि जितने भी दादा सब लोग बुजुर्ग हैं सबके मन से ही होता है, और सबका सपोर्ट होता है वहाँ पे, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको बैठा के होता हमारी है। फैमिली बहुत बड़ी है लेकिन सब लोग एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, अगर आपको इनके रिलेशन को लेकर के और भी कुछ प्रश्न दिल में हैं तो कमेंट में जरूर दिल खोल के कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे यार, शादी से पहले, बारात उठने से पहले बना देंगे, घोड़ी पे चढ़ने से पहले बना देंगे, तो दिल खोल के कमेंट करिएगा। विनय भाई आपको कुछ और कहना है? नहीं अब कुछ नहीं कहना है, बाकी आपके लोग के ब्लॉग में तो सब कुछ जाता ही रहेगा, बाकी आप कमेंट में जो आएगा उसका मैं रिप्लाई करूंगा। और इनकी दुल्हनिया का चेहरा हम लोग दिखाएंगे बारात वाले दिन, कौन सा वाले दिन? जयमाला वाले दिन। तो बारात वाले दिन दिखाएंगे, वही तो कह रहे हैं, तन्नी की दिखाएंगे। हाँ नहीं वो तो पूरा दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे मैं कह रहा था ये तन्नी का क्या होता है, तन्नी मतलब थोड़ा सा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और बहुत सारे लोगों का जो भी जिज्ञासा थी दिल के अंदर, जो भी सपने थे कि विनय ने शादी कैसे 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 कैसे, तो सारे प्रश्नों का उत्तर आज आप लोग को मिल गया है। अगर आप लोग पता चल गया कि इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, और अगर आप लोग को कुछ लगता है कि नहीं यार कुछ और चीजें जाननी है, अच्छा कोमल कितनी पढ़ी लिखी है? अभी उनका सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर अपेयरिंग चल रहा है, मतलब अभी सेकेंड ईयर में एडमिशन कराया है, अब देखो लॉकडाउन की वजह से एग्जाम भी नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट ईयर भी एडमिशन कराया था तो लॉकडाउन लग गया, बिना परीक्षा दे ही पास हो गई। वो मेरे साथ थोड़ा कुछ दिन तक बताया थी, स्पीकिंग कोर्स की थी, और बड़ी दीदी के साथ कंप्यूटर सीखी है। तो दोस्तों ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और कुछ भी प्रश्न है तो फटाफट कमेंट करिएगा। टाटा बाय बाय दोस्तों।